पे मैंने इनको देखा है कि मजूमा से किसी को टकराने से पहले सम्राट सिंह से टकराना पड़ेगा। एंड सो दैट्स व्हाई वी ऑल आई लव यू सम्राट सबसे पहले आप लोगों को एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन जो एक स्लोगन हम लोगों को सिखाया गया पता है वो किसने सिखाया और वो स्लोगन क्या है आज हम सम्राट जी के लिए वही स्लोगन सब एक साथ करेंगे आप तैयार हैं रेडी देखो मैं आप सब लोगों को बताऊं जैसे भी नरेंद्र जी बोल रहे थे ना कि आप सोते कब है थकते क्यों नहीं कैसा क्यों नहीं मैं आप सब लोगों से एक बात बता रहा हूं मैं दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे तुम्हारे सुख की चिंता है मैं थकता इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारे आराम की चिंता है मैं परेशान इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे तुम्हारे समाधान की चिंता है और एक बात को याद रख मेरे दोस्त मुझे किसी की नफरत की नहीं बस तेरे मोहब्बत की चिंता है हर एंटिटी में एक बड़ा ही जो मेरा हमेशा का तकिया कलाम रहा है द अगेन दोज गोल्डन वर्ड्स गिवन बाय माय फादर जाने से पहले बिना बोले कैसे जा सकते हैं वो बात तो बनती है और बिल्कुल बोलेंगे और वो बात फिर से मेरे दिल से मेरे इमोशन से निकल रही है और वो इसलिए निकलती है क्योंकि मैं उस बात को बहुत इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ प्लीज मेरी बात को गौर से सुनना दिल से सुनना अपने ब्लड में डालो इसको और वो बात ये है फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार आ रहे हो फर्क इस बात से बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार आ रहे हो फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम आज फिर जीतने को तैयार हो जीतेंगे तुम कितनी बार हराओगे मैं उतनी बार खड़ा होऊंगा पिछली बार 500 के साथ खड़ा था इस बार 70,000 लोग के साथ खड़ा हूं तू कल फिर लड़ 7,00,000 लोग के साथ आऊंगा तू फिर लड़ना मैं 7 करोड़ के साथ आऊंगा तू फिर लड़ना मैं 7-7 कंट्रियों के साथ भी तुमसे लड़ूंगा थैंक यू सो मच थैंक यू